कॉफ़ी रस्ट। यह डिजीज हेमिलिया वेस्टिटिक्स फंगस की वजह से होती है। यह एक हेमीसाइक्लिक फंगस है। यूरिडस स्पोर्स इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनोकुलम है, यानी कि यूरिडस स्पोर ही न्यू कॉफ़ी लीफ में इन्फेक्ट करते हैं। यह अरेबिका कॉफ़ी की सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज है। श्रीलंका में इस डिजीज की वजह से 18th century में बहुत बड़ी एपिडेमिक और महामारी आई थी। दिस कॉफ़ी रस्ट फंगस बिलोंग्स टू फाइलम बेसिडियोमाइकोटा क्लास पक्सिनियोमाइसिट्स ऑर्डर पक्सिनियल्स, यानी कि रस्ट फंगाई। सिम्टम्स ऑफ कॉफ़ी रस्ट। डिजीज साइकिल ऑफ कॉफ़ी रस्ट कॉज्ड बाय हेमिलिया वेस्टिट्रिक्स। ये कॉफ़ी का हेल्दी ट्री प्लांट है। दिस इज इन्फेक्टेड बाय रस्ट फंगाई। रस्ट फंगाई के इन्फेक्शन की वजह से इसकी लीफ नीचे गिर गई है, डिफोलिएट हो गई है। डिफोलिएट होने की वजह से प्लांट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है। दिस इज द इन्फेक्टेड लीफ लोअर साइड में। दिस इज़ द क्लस्टर ऑफ यूरिडिया। यूरिडिया फंगाई का वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। यूरिडिया कंटेन यूरिडस स्पोर। यूरिडस स्पोर कॉफ़ी की न्यू लीफ को इन्फेक्ट करते हैं। दिस इज़ द यूरिडस स्पोर। यूरिडस स्पोर जर्मिनेशन जब यूरिडस स्पोर का होता है तो दिस इज़ द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, दिस इज़ द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। यूरिडस स्पोर के जर्मिनेशन के बाद ये स्टोमेटा के थ्रू लीफ की सेल के अंदर चला जाता है। ये लीफ की सेल्स हैं। लीफ की सेल्स में ये फंगस हेमिलिया वेस्टिटिक्स का फंगस इंटरसेलुलरली ग्रो होता है और लीफ की सेल के अंदर ये अंदर इंटर कर जाता है। दिस इज़ द हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया वो पार्ट है जहाँ से ये प्लांट की सेल से अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये फंगस इंटरसेलुलरी इसकी ग्रोथ हो जाती है तो ये स्ट्रक्चर बनाता है जिसे यूरिडियम या यूरिडिया कहते हैं, जो कि लोअर साइड ऑफ लीफ में बनता है। यूरिडियम में जो स्पोर बनते हैं वो यूरिडस स्पोर होते हैं जो कि कॉफ़ी के न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ये टीलियम स्ट्रक्चर भी बनाता है, यहाँ पर टीलियम भी बनते हैं। दिस फंगस आल्सो फॉर्म्स टीलियम। टीलियम में टीलियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द टीलियोस्पोर। टीलियम से टीलियोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब टीलियोस्पोर का जर्मिनेशन होता है, ये टीलियोस्पोर है, जब इसका जर्मिनेशन होता है तो 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर कॉफ़ी के न्यू प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते हैं और नेचर में इसका कोई अल्टरनेट होस्ट भी नहीं है। यूरिडोस्पोर ही न्यू कॉफ़ी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो सारी लीफ डिफोलिएट हो जाती है एंड प्लांट लुक्स लाइक दिस, कॉफ़ी ट्री डिफोलिएटेड बाय रस्ट इन्फेक्शन। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ कॉफ़ी रस्ट। ये फंगस हेमिलिया वेस्टिटिक्स बेसिकली प्राइमरली माइसिलियम के रूप में, यूरिडिया के रूप में एंड यूरिडस स्पोर्स के रूप में इन्फेक्टेड लीव्स में रहता है। ये लगातार इन्फेक्ट करते रहते हैं यूरिडस स्पोर। कभी कभी फंगस टीलियोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं जब इनका जर्मिनेशन होता है, तो ये बेसिडियस स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और ये कॉफ़ी ट्री को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। नेचर में इस फंगस का कोई अल्टरनेट होस्ट भी नहीं है। ये यूरिडस स्पोर्स जनरली हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा फैलते हैं। जब यूरिडस स्पोर तब जर्मिनेट करते हैं जब इन्हें फ्री वाटर मिलता है और ये लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं। इन अंदर करने के बाद माइसिलियम की ग्रोथ होती है, लीफ की सेल में माइसिलियम ग्रोथ होता है। ये अपने हॉस्टोरिया सेंड करता है सेल के अंदर। चलो हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दिस इज़ द यूरिडस स्पोर। ये दिस इज़ द स्टोमेटा। ये यूरिडस स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो ये लीफ की सेल के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये हॉस्टोरियम प्रोड्यूस करता है। ये लीफ की सेल्स हैं। दिस इज़ द हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम वो पार्ट है जहाँ से ये लीफ की सेल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। इस माइसिलियम को खाना पीना मिलता रहता है।
इस हॉस्टिडियम से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। जो नए यूरिडिया होते हैं वो लीफ की लोअर साइड में 10 से 15 दिन के इन्फेक्शन के बाद दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इस रस्ट फंगाई के इन्फेक्शन से पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ पूरा कमज़ोर हो जाता है, रिड्यूस यील्ड कम हो जाती है, सीवियर डाईबैक होने लगता है टहनियों का पूरा प्लांट की डेथ हो जाती है। दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द हेल्दी कॉफ़ी ट्री, दिस इज़ द हेल्दी कॉफ़ी ट्री एंड दिस इज़ द ट्री डिफोलिएटेड बाई रस्ट इन्फेक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल मेजर्स ऑफ कॉफ़ी रस्टेज बाई यूजिंग कॉपर फंजीसाइड्स, sufficient tree pruning, good site selection and use of resistant varieties.